बैठी। ये सुने कि आप कुछ घर पे होम कंपोस्ट वगैरह कुछ बना रहे हैं। हाँ, वो तो बना रही हूँ। कैसे जानकारी हुई इसके बारे में? बस जिसको से कुछ लोग आए थे जो मुझे इसको बता कर गए थे कैसे बनाना है, इसको कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज लगता है इसको तैयार करने में। वो जो किचन का मेरा जितना मटेरियल है, गीला मटेरियल, उसको डालेंगे। सब्जियों के साथ भी जितना छिलका होता है। सब्जी का पूरा, लौकी, आलू, बैंगन, जिसका भी छिलका, प्याज, वो सारे छिलके, वो सारी चीजें, अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं इसमें। और जो फलों का छिलका होता है, फलों का छिलका भी डाल सकते हैं। और इसमें बोन्स नहीं डालेंगे, नॉनवेज का जो बोन्स हड्डी है वो नहीं डालेंगे, प्लास्टिक नहीं डालेंगे, नींबू का छिलका नहीं डालेंगे क्योंकि इसके गलने में थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है तो इसको खाद बनाने में समय तो लगता होगा। ऑलमोस्ट 30 to 35 days वो ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो फिर हम लोग गमले में डालेंगे। जितने भी मेरे ये हैं पौधे लगे हुए हैं उसमें ये डाल सकते हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि किस प्रकार इस खाद को बनाया जा सकता है? बिल्कुल, चलिए मेरे गार्डन में मेरे साथ। मैं बता रही हूँ आपको, ये दो पेट हैं, इस पेट कैन में फिल्टर लगी हुई है, नल भी लगी होती है इसमें। ये माइक्रोब्स हैं, इसको हम लोग डालेंगे इसमें। फिर इसके बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल है किचन का, उसको इसमें डालेंगे। इसमें लीव्स भी डाल सकते हैं। फिर ये 4 इंची तक जब जमा हो जाएंगे इसमें, तो हम लोग माइक्रोब्स डालेंगे। फिर इसमें हम लोग वेस्ट मटेरियल डालेंगे। डेली का जो भी किचन वेस्ट होता है उसको इसमें डालते रहें और इसी तरह से ये प्रक्रिया दोहराते रहें। 15 दिनों के बाद इसमें जो नल लगा है उससे ऑर्गेनिक लिक्विड निकलेगा, जिसे 1:30 के अनुपात में पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करने से पौधे स्वस्थ और कीटाणु मुक्त रहते हैं। बंद करके इसको छोड़ देंगे। फिर ये 15 डेज हो जाएंगे। फिर 15 डेज के लिए करना है, 30 डेज में तैयार हो जाएगा। आइए, नमस्ते संजय जी। 30 डेज तो हो गए, चलिए मैं दिखाती हूँ खाद आपको। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा खाद है। इसका इस्तेमाल आप कैसे करती हैं? इसको हम लोग गमले में डालेंगे। इसी गमले में एक मुट्ठी हर सप्ताह डालेंगे तो पौधे स्वस्थ रहेंगे। यदि ज्यादा भी पड़ जाए तो ऑर्गेनिक होने के कारण इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरह आप भी घर पे बना सकते हैं, होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आई सपोर्ट होम कंपोस्टिंग।